अगर पेपर लीक किया तो खैर नहीं, ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा। अगर करोगे खिलवाड़ तो लगेगी लताड़, 10 साल तक की होगी सजा, 1 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। ना छोड़ा जाएगा ना बख्शा जाएगा। अगर करोगे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ तो लगेगी जोरदार लताड़। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा। पेपर लीक करने वाली और काली कमाई करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि देश में लागू हो गया है एक बड़ा कानून। केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के प्रावधान लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार शुक्रवार को इस संबंध में एक अधिसूचना उन्होंने जारी की और ये कानून फरवरी 2024 में पारित हो गया था। इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ अस्तित्व में आया था। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। कानून लाने के पीछे मकसद है कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा पारदर्शिता रह सके, साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी ना हो पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया था। एंटी पेपर लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है। ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शामिल होती हैं जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। इस कानून के तहत क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक होना जो किसी भी तरह के परीक्षार्थी की मदद कर सके अपराध है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़खानी भी जुर्म माना जाता है, जिससे पेपर की जानकारी पहले से मिल जाए ऐसा जुर्म होगा। ऐसा अपराध चाहे एक पूरा ग्रुप करे या फिर एक व्यक्ति या संस्था, इसे क्राइम की श्रेणी में ही रखा जाएगा। पैसों के फायदे के लिए फेक वेबसाइट बनाना या फिर फेक एग्जाम कंडक्ट करवाना भी इस लॉ में आता है। कई बार अपराधी सीधे पेपर लीक नहीं करते बल्कि दूसरी तरह की हेराफेरी कर देते हैं जिससे उनकी और उनके परीक्षार्थियों को फायदा पहुंच सके। ये भी एक एंटी लीक में शामिल है। अब उम्मीद यही है क्योंकि देखिए नेट एग्जाम और उससे पहले नीट दोनों एग्जाम में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया जो कि पूरे देश के लिए परेशानी का सबब बन गया। उन तमाम लाखों अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन गया जो सालों से तैयारी कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि पेपर में अच्छी तैयारी के बाद में जब ये पेपर हो जाएगा तो उसके बाद में पास हो पाएंगे और अपने ख्वाबों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन उन सब पे ग्रहण लगा उन लोगों की वजह से जिन्होंने परीक्षा में धांधली की। अब उनकी खैर नहीं है क्योंकि हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस लॉ के जरिए कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा मिल सके और जो युवा हैं, जो देश का भविष्य हैं, जो लोकतंत्र का सही मायने में निर्माण करता है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकें और हिम्मत के साथ में एग्जाम की तैयारी कर सकें कि पेपर लीक नहीं होगा। नमस्कार।